तैयार हो जाता है, मार्केट जैसा बनेगा एकदम क्रिस्प। तो देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। दो हमने बड़ी बड़ी साइज की प्याज ली, इसको लंबी लंबी स्लाइस में कट करना है। आप देख लीजिए, कटोरी भरकर हमने बेसन आटा लिया और एक छोटी कटोरी भरकर चावल का आटा लिया। आप देख लीजिए, यहाँ पर चावल का आटा डालने से बहुत क्रिस्प बनकर तैयार हो जाएंगे हमारे पकौड़े। और एक चम्मच लिया हमने जीरा और दो चम्मच लिया हमने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, दोनों मिक्स है। आपको कट करके डालना हो तो आप कट करके भी डाल सकते हो। एक चम्मच लेंगे हम ऑयल, नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से। प्याज देख लीजिए आप, इस तरह से लंबी लंबी स्लाइस में कट करना है और इसको इस तरह से खोल लेंगे। सब एक एक प्याज को हम पहले खोल लेंगे, हाथ बहुत अच्छे से वॉश होना चाहिए। तो आप देख सकते हो सभी प्याज को हमने खोल लिया है, इस तरह से खोल लेना है प्याज को। हम इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आपको कट करके डालना हो तो आप कट करके भी डाल सकते हो। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। चावल का आटा, और ये बेसन आटा हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। पहले हमको इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, नमक डालने से प्याज भी पानी छोड़ देती है, तो बिल्कुल भी हमको पानी नहीं ऐड करना है। मलते हुए बहुत अच्छे से हमको इसको मिक्स कर लेना है। आप इसको इफ्तार के समय ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। मार्केट के खाना आप भूल जाओगे, इतने क्रिस्प बनकर तैयार हो जाते हैं। गर्मा गर्म आप इसको सर्व कीजिए। तो ये देख लीजिए, बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, देख सकते हो आप। अभी जो बेसन आटा हमने रखा है तथा ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एकदम मार्केट के जैसे क्रिस्प बनकर तैयार हो जाएंगे हमारे पकोड़े, और चावल का आटा डालने से एकदम क्रिस्प होते हैं ये। इस तरह से हाथ में मलते हुए हमको इसको मिक्स करना है, ये देख सकते हो आप इस तरह से। तो अपने आप प्याज का पानी रिलीज होगा नमक की वजह से और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये देख लीजिए आप। मैंने इसको मिक्स कर लिया है, अभी हम एक चम्मच ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरह से सभी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देख लीजिए आप। इस तरह से हो जाएगा ये ऑयल डालने के बाद। तो ये परफेक्ट हमारा तैयार हो चुका है, ये देख सकते हो आप, फ्राई कर लेंगे। हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया, तेल हमारा बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। इसको छोड़ना है, इसके शेप नहीं बनाना है हमको, जैसा भी हाथ में आता है वैसा इसको छोड़ते जाना है। फैला फैला कर छोड़ेंगे तभी वो एकदम क्रिस्प बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से, जितने कढ़ाई में इजली आएंगे उतने डालेंगे। देखिए डाल दिए हमने, पहले जो डाले थे हमने उस पर कलर आ चुका है, आप देख सकते हो।
इस तरह से फैला फैला कर बड़े बड़े ही डालना होता है, जिसे मार्केट में मिलते हैं इस तरह से बड़े बड़े क्रिस्प बनकर तैयार हो जाते हैं। इसकी कोई शेप नहीं होती है, कैसे भी जैसे हाथ में आते हैं वैसे डालते जाना है, थोड़ा सा फैला कर डालना है ताकि वो कच्चे ना रहे बीच में। इसके लिए इसे क्रिस्प होने तक इसको फ्राई कर लेंगे उलट पलट कर, एकदम मार्केट की जैसे हमारे प्याज के पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। ये वाले हमने निकाल दिए, आप देख सकते हो। अब इसको हम उलट पलट कर अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे, हम निकाल देंगे। और इस तरह से आप इसको निकाल कर छन्ने में लोगे तो जो भी ऑयल होगा वो निकल जाएगा। ये देख सकते हो आप कितने क्रिस्प बनकर तैयार हो चुके, आप देख लीजिए। छोटे बड़े आपको जैसे छोड़ना है आप आपके हिसाब से छोड़ दीजिए, लेकिन इस तरह से इसको फैला दीजिए ताकि बीच में अच्छे से ये फ्राई हो जाए। बस और कुछ नहीं, फ्लेम का ध्यान रखिए, मीडियम फूल के बीच में इसको फ्राई करना है। ये देख लीजिए जितने हमारे कढ़ाई में आए उतने हमने डाल दिए, जो पहले डाले उसके ऊपर कलर आ जाता है तो उसको हम पलट देंगे। जो पहले हमने रख दिए थे इस तरह से, प्लेट रखी थी नीचे और इसको रख दिया था, तो जो भी ऑयल था इसका निकल चुका है। तो आप इस तरह से कीजिए, जो भी ऑयल होता है निकल जाता है। और ये देख लीजिए कि कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, फुल और मीडियम के बीच इसको फ्राई करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं हमको। इसको निकाल लेंगे तो इतना इसको करना है, ज़्यादा डार्क कर दोगे तो ये जल जाएंगे। अभी हम इस तरह से इसको निकालेंगे, देख लीजिए आप हमारे पकोड़े। तो ये देख लीजिए सभी पकोड़े हमने निकाल दिए और कितने क्रिस्प बनकर तैयार हो चुके, आप देख सकते हो। मार्केट की तरह आप एक बार घर पर इसको ट्राई करोगे तो मार्केट के खाना आप भूल जाओगे। और दूसरे फ्राई होते तब तक हमको इसको प्लेट के नीचे, इसके नीचे प्लेट रख देना है, तो जो भी ऑयल होता है प्लेट के नीचे आ जाता है। ये टिप्स आप हमारे ध्यान में रखिए। तो सभी हम फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है गर्मा गर्म प्याज का पकौड़ा। तो आप गर्मा गर्म अपने दस्तरखान पे इसको सर्व कीजिए रोजेदार के सामने, ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत क्रिस्प होते हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिए। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है और चावल का आटा इसके अंदर ऐड करोगे आप तभी ये क्रिस्प बनकर तैयार हो जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे, चावल का आटे से ये क्रिस्प होते हैं। और ये देख लीजिए आप, ये देख सकते हो आप, इसकी आवाज़ सुन लीजिए आप, ये देख लीजिए कितने ये क्रिस्प हो चुके हैं, ये देख सकते हो आप। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस रमज़ानों में, रोज़ेदार के सामने आप इस तरह से इसको बनाकर सर्व कीजिए गर्मा गर्म। मार्केट से भी अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स, आप कभी मार्केट के खाओगे नहीं, एक बार इस तरह से आप ट्राई करोगे तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है। जब आप इसको ट्राई करोगे तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह पूरी रमज़ान का महीना आप इसको ट्राई करोगे, इतना ही आपकी फैमिली को और आपको पसंद आने वाला है इंशाल्लाह। आप इसको हरी चटनी के साथ या टमाटर सॉस के साथ इसको सर्व कीजिए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह की अच्छी अच्छी इजी इजी रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं ऐसी झटपट सिंपल सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।